रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना में अब हम डिस्कस करेंगे आबंध एंथैल्पी, आबंध कोटि तथा अनुनाद संरचनाओं पर प्रश्न। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर के बच्चों, जो थ्योरी के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप उसे देखिए और वहाँ पर थ्योरी को क्लियर करिए। वहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, उन्हें समझिए और फिर हम यहाँ पर आपके साथ इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और इसे देखिए। तो देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जालक ऊर्जा सबसे ज़्यादा कौन दर्शाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो जालक ऊर्जा है, यहाँ पर ये कौन सबसे ज़्यादा दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सभी के पास फ्लोरीन है, लेकिन अगर हम देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, तो यहाँ पे जो सबसे छोटा तत्व है वह सोडियम है। अब सबसे छोटा तत्व है मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वो भी ज़्यादा होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो सोडियम है, यहाँ पर वह सोडियम प्लस बनाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होगा वह सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज़्यादा होने के कारण यह फ्लोरीन माइनस को सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा, यह सबसे ज़्यादा इसे आकर्षित करेगा। यहाँ पर आकर्षण ज़्यादा होगा, आकर्षण ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो बॉन्ड होगा, जो आबंध होगा वह बहुत ज़्यादा होगा। और यही कारण है कि यहाँ जब इसे तोड़ने की बात की जाएगी तो हमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। छोटा साइज होने के कारण यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, जैसे हम देख सकते हैं कि अगर सोडियम प्लस की बात करेंगे और सीजियम प्लस की, तो यहाँ इसका आकार क्या है, बड़ा है। आकार बड़ा है मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वह बहुत बड़ी संख्या में फैला हुआ होगा, बहुत बड़ी संख्या में फैला हुआ होगा, जबकि सोडियम प्लस में वह एक छोटे से जगह में इलेक्ट्रॉन घनत्व होंगे। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज का जो डेंसिटी होगा वह कम स्पेस में होगा या फ्लोरीन को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित आबंध के प्रकारों में से सबसे कमज़ोर कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे कमज़ोर कौन सा आबंध होगा, देखिए आयनिक आबंध, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है, जैसे सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस के माध्यम से आप आयनिक के बारे में जानते हैं। सहसंयोजी में देखते हैं कि यहाँ पर अगर H2 का अणु लेते हैं तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के संयोग से सहसंयोजी आबंध बनता है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करते हैं। बात करते हैं धात्विक, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने कोई कॉपर की धातु ली तो वहाँ पर बहुत सारे कॉपर के परमाणु एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए होंगे, ये बात भी हमने समझ ली। लेकिन हाइड्रोजन आबंध की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने जल लिया, यहाँ पर हमने जल लिया, यह जल का एक अणु है, यहाँ पर यह जल के दूसरे अणु से सिर्फ आकर्षण करेगा, सिर्फ आकर्षण करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पर किसी भी आयन का ट्रांसफर नहीं होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ कि कोई भी आबंध नहीं बनता, सिर्फ एक हल्का सा यहाँ पर आकर्षण होता है, हल्का सा आकर्षण होता है, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ एक आकर्षण देखेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। हाइड्रोजन आबंध में हम इसे पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ आकर्षण होता है। जैसे यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर आपके पास एक जल का अणु है, वो दूसरे जल के अणु से सिर्फ आकर्षण करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, कोई आवेश उत्पन्न नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ पर एक आकर्षण उत्पन्न होता है, क्योंकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, तो वह हाइड्रोजन जो धनात्मक है नेचर से, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है नेचर से, उसको सिर्फ आकर्षित करेगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सबसे अधिक आयनिक आबंध बनाता है। तो आयनिक आबंध वो बनाएगा जिस पर आवेश आवेश ज़्यादा होगा, आवेश ज़्यादा होगा। कौन सा आवेश ज़्यादा होगा बच्चों, धनात्मक। यहाँ पर याद रखिए कि जहाँ पे धनात्मक आवेश ज़्यादा होगा वह अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएगा, जैसे सोडियम प्लस
क्लोरीन माइनस, यहाँ पे ये लिथियम प्लस फ्लोरीन माइनस, और यहाँ पे मैग्नीशियम 2 प्लस फ्लोरीन माइनस और सोडियम प्लस फ्लोरीन माइनस। तो यहाँ पे देखिए कि जिसका साइज भी छोटा हो, साइज भी छोटा हो, आकार छोटा हो और आकार भी छोटा हो और उस पर आवेश भी ज़्यादा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आयनिक आबंध वहाँ बनेगा जहाँ पर जालक ऊर्जा ज़्यादा होगी, मतलब वहाँ का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। तो बॉन्ड कहाँ स्ट्रांग होगा, जहाँ पर, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, बॉन्ड स्ट्रांग वहाँ पर होगा बच्चों जहाँ पर पॉजिटिव धनावेश ज़्यादा हो, जैसे मैग्नीशियम 2+, तो इस यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा आकर्षण बल होगा फ्लोरीन माइनस के लिए। तो ऐसे हम समझ सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है। तो देखिए इसे कैसे समझेंगे, क्लोरीन माइनस का एग्जांपल लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p3, फिर आएगा आपका 2p6 के बाद आएगा 3s2 और इसके बाद आएगा आपका 3p6। देखिए यहाँ पर हर कोश, हर कक्ष भरा हुआ है, मतलब s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 6, d में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 10। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो सभी में भरी हुई है, मतलब यहाँ पे सारा कोश भरा हुआ है। तो यहाँ पे यह अनुचुंबकीय नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सारे कोश भरे हुए, अनुचुंबकीय कौन नहीं होगा, जहां पे कोश पूरे भरे होते हैं, कोश पूरे भरे होते हैं, तो वहां पे वह अनुचुंबकीय नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। बात करते हैं नियॉन की, बात कर लेते हैं नियॉन 2+ की बात कर लेते हैं। अब जरा इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, 1s2, 2s2 और ये आपका हो गया 2p4। तो 1s2, 2s2 भरा हुआ है लेकिन 2p4 को देखिए बच्चों, 2p4 को अगर हम देखें इस तरह तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर दो जगह खाली है, मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये इसका जो नेचर है अनुचुंबकीय होगा, यह क्या होगा, यह अनुचुंबकीय नेचर का होगा। तो ये बात यहाँ पे हमने लिख दी, यहाँ पर ये चीज़ हमने लिख दी कि यह अनुचुंबकीय होगा क्योंकि यहाँ पे दो जगह खाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन क्लोरीन माइनस में आप 3p6 को अगर आप देखेंगे तो यह पूरी तरह से भरा हुआ है, यह पूरी तरह से भरा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी चुंबकीय नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। P4 3- आयन में प्रत्येक ऑक्सीजन पर कितना आवेश यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे सामान्य आवेश पूछ रहा है और पीओ का आबंध कोटि पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखें कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का हमें इसका स्ट्रक्चर मिलता है और यहाँ पर रेजोनेंस होता है, यहाँ पर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस कैसे होता है आप देखिए, पहले इस ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, 3, 4, यहाँ 1, 2, 3, 4, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पे हर जो डबल बॉन्ड है वो सभी ऑक्सीजन के ऊपर घूम रहा है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो सभी ऑक्सीजन के ऊपर घूम रहा है। तो ये चीज़ हमें समझ में आई। बात करते हैं आवेश की, यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 नेगेटिव चार्ज है। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन कितने हैं 4, मतलब 3 नेगेटिव चार्ज को, 3 नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि 4 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आवेश, अगर हम आवेश निकालते हैं तो हमें करना होगा कि 4 ऑक्सीजन में यहाँ पर बच्चों 3 नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अगर हम यहाँ पे आवेश निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 3/4 करेंगे, यहाँ पे 3/4 करेंगे, तो यहाँ पर ये हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 0.75 मिलेगी, यहाँ पे जो हमें ये वैल्यू मिलेगी वह 0.75। समझिए कैसे,
यहां पर हम क्या देख रहे हैं, तीन नेगेटिव चार्ज है हमारे पास और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, चार है। तीन नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन की संख्या चार है। तो यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि ये तीन नेगेटिव चार्ज चार ऑक्सीजन में गया है, तो हर ऑक्सीजन के लिए आवेश कितना होगा। तो यहां पे तीन नेगेटिव चार्ज अगर चार ऑक्सीजन में है तो एक ऑक्सीजन पर जो आवेश आएगा वह हमारा आएगा 3/4 जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो यहां पे 0.75 हमारा आंसर आएगा। कितना नेगेटिव चार्ज है, -3/4। यहां पे हमने कैसे निकाला, -3/4। आप इसको एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि तीन नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन के लिए उपयोग किया जा रहा है, चार ऑक्सीजन के लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन पर आवेश बताइए, तो एक ऑक्सीजन पर जो चार्ज आएगा वह होगा -3/4 जो जिसकी वैल्यू आएगी 0.75। तो इस तरह हमने समझा। अब आबंध कोटि को देखिए, यहाँ पे आबंध कोटि के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आबंध कोटि में हमें क्या समझ में आना है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पांच कोवैलेंट बॉन्ड है। कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, पांच सहसंयोजक आबंध है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास पांच सहसंयोजक आबंध है, पांच सहसंयोजक आबंध है। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास पांच सहसंयोजक आबंध है, लेकिन वो कितने ऑक्सीजन के मध्य में घूम रहे हैं, वो कितने ऑक्सीजन के मध्य में घूम रहे हैं, चार ऑक्सीजन के मध्य में घूम रहे हैं। मतलब कभी इस ऑक्सीजन पे, कभी इस ऑक्सीजन पे, कभी इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे जो पांच सहसंयोजक आबंध है, जो पांच कोवैलेंट बॉन्ड है, वो चार ऑक्सीजन पे घूम रहे हैं। मतलब हर ऑक्सीजन के साथ, अगर हम हर ऑक्सीजन के साथ बात करें तो वह संख्या 5/4 यानी 1.25 हो जाएगी। तो जरा इसे समझते हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। और यहाँ पे देखिए हम कैसे समझ सकते हैं आबंध कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको चीज बता दूं कि आबंध कोटि का अर्थ होता है कि अगर यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड एन है तो यहाँ पर जो आबंध कोटि है वह तीन होगी। यहां पर आबंध कोटि तीन होगी। तो देखिए यहां पर कैसे समझेंगे, यहां पे या तो डबल बॉन्ड है या तो सिंगल बॉन्ड है, या तो यहां आंसर दो होगा या तो एक होना चाहिए था, लेकिन इसके बीच का मध्य, इसके मिडिल का आंसर होगा, इसके मिडिल का आंसर होगा वह 1 कभी नहीं हो सकता, वह 0.6 कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है, जो आबंध है, वह 2 और 1 के बीच का होगा। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। बच्चों एक बार फिर से मैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर तीन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तीन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यह जो नेगेटिव चार्ज है वह कितने ऑक्सीजन के मध्य में घूम रहा है उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वह चार ऑक्सीजन के मध्य में घूम रहा है। यहाँ पे इस तरह हमने इसे लिखा, इसका चार रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो तीन नेगेटिव चार्ज कहाँ पे घूम रहे हैं, चार ऑक्सीजन पे। तो वन ऑक्सीजन कितना चार्ज लेगा, वन ऑक्सीजन कितना चार्ज लेगा, -3 यहाँ पे आवेश है, -3 यानी नेगेटिव आवेश है, -3/4 ये आपका -0.75 आ गया। बात करेंगे आबंध कोटि की, बात करेंगे आबंध कोटि की। तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और एक सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अगर डबल बॉन्ड लेंगे, जैसे ऑक्सीजन O2 को देखिए, इसका जो डबल बॉन्ड होता है तो इसका आबंध कोटि 2 होगा। अगर हम बात करें, अगर हम कुछ किसी दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन, तो यहाँ पे आबंध कोटि 1 होगा। तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है और सिंगल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, मतलब इसका आंसर इन दोनों के बीच का होगा, क्योंकि यहाँ पर तो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे अनुनाद संरचनाएं हो रही हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बीच में होगा। और 1.75 हमने निकाला कि यहाँ पे चार हमें अनुनाद संरचनाएं मिली हैं, यहाँ हमें चार अनुनाद संरचनाएं मिली हैं, जो चार रेजोनेंस के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं हमें मिले हैं। और
यहाँ पर कितने तत्व प्रेजेंट है, पांच तत्व प्रेजेंट है, यहाँ पे पांच एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 5/4 यहाँ पे तत्व कितने प्रेजेंट है, पांच तत्व प्रेजेंट है, तो 5/4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा और ये 1.25 आएगा आंसर, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, N2 तथा N2 प्लस की वियोजन। अब N2 का जो आबंध कोटि होता है अगर हम बात करें तो यह आपका आएगा बच्चों 3, यहाँ पे जो आबंध कोटि है यह 3 है। अगर हम N2 प्लस की बात करें तो देखिए यहाँ पर हम इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे संयोजकता इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 और 5, लेकिन यहाँ प्लस का साइन क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन गया है तो 5-1 यानी 4, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि एक नाइट्रोजन के पास यहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो इसका आबंध होगा वह 2 से ज़्यादा होगा लेकिन 3 से कम होगा। यहाँ पे जो N2 प्लस है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर जो आबंध कोटि होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वह 2 से ज़्यादा और 3 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा 3 से कम होगा, जबकि N2 में हमने क्या देखा, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर आबंध कोटि यहाँ 3 है, तो यहाँ पे N2 को तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, N2 की वियोजन ऊर्जा ज़्यादा होगी, N2 को तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। बात करेंगे P-pi-D-pi आबंधन की, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं हम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3, ऑक्सीजन का देखिए 1s2, 2s2, 2p4 हो जाएगा आपका ये, और यहाँ पे बोरॉन देखिए 1s2, 2s2, 2p1, कार्बन का 1s2, 2s2, 2p2। अब देखिए यहाँ पे डी की बात कर रहे हैं, और इन सभी में किसी के पास डी नहीं है, क्योंकि अगर एन की संख्या 2 होती है तो L 0.1 होता है और ये 2s और 2p हो सकता है, मतलब 2d नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। N इक्वल टू 3 होने से L की संख्या 0, 1, 2 अर्थात 3s, 3p और 3d होता है। तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन के पास d ऑर्बिटल या डी कक्षक है ही नहीं तो आबंधन कहाँ से होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि सल्फर का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो आपको मिलेगा सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, और यहाँ पे जो 3d है बच्चों वो पूरा खाली है, मतलब यहाँ पे 3d में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे सल्फर 16 होता है तो यहाँ पे 3d पूरा खाली है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, P-pi-D-pi आबंधन SO3 2- में होगा। अगर आपको बनाने नहीं भी आता है तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर डी ऑर्बिटल है ही नहीं, डी कक्षक है ही नहीं नाइट्रोजन, बोरॉन और कार्बन के पास, तो कोई भी P-pi-D-pi आबंधन नहीं बनेगा। इस प्रश्न को देखते हैं, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे H2O के बारे में बोल रहा है, बेरिलियम फ्लोराइड, तो देखिए बेरिलियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बच्चों, और फ्लोरीन हमारा होता है विद्युत ऋणात्मक, तो वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पे जो म्यू होगा वो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, एक फ्लोरीन ने उधर से खींचा, एक फ्लोरीन ने इधर से खींचा। जल की आकृति देखते हैं, जल की आकृति ऐसी होती है, अब यहाँ पे देखिए कि 2 एकाकी युग्म होते हैं, अब हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वह अपनी ओर खींचेगा, अब यह जो एकाकी युग्म है वह अपनी ओर खींचेगा, मतलब यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगी, तो आंसर होगा कि F की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से अधिक होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा,
यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि यही करेक्ट स्टेटमेंट है। सहसंयोजता के बढ़ते हुए क्रम में से निम्न किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया है, कोई बात नहीं। तो इसे जरा समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम सहसंयोजिता कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, यह आपको आता है फजांस रूल से, यह बातें आती है फजांस रूल में। तो फजांस रूल का जो वीडियो है वहां पर जाके फजांस रूल जरूर पढ़िएगा। फजांस रूल बोलता है कि जो यहां पर आवेश, अगर आपका कटायन है, अगर आपका धनायन है, आपका धनायन है, तो उस पर आवेश ज्यादा होना चाहिए, उस पर आवेश ज़्यादा होना चाहिए, वह साइज़ में छोटा होना चाहिए, वह आकार में क्या होना चाहिए, छोटा आकार होना चाहिए। फिर बोलता है अगर आपका जो ऋणायन है उसका आकार कैसा होना चाहिए, वह आकार में बड़ा होना चाहिए, आकार में बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें समझिए। अब देखिए बेरिलियम, यहाँ पे बेरिलियम क्या होगा, बेरिलियम 2+, हम यहाँ पे धनायन की बात करेंगे, फिर लिथियम प्लस, फिर सोडियम प्लस। तो हम जानते हैं कि लिथियम छोटा होता है सोडियम से, तो बेरिलियम क्लोराइड यहाँ पर ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजिता आबंध दिखाएगा। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे धनायन की बात कर रहे हैं। तो देखिए धनायन कैसा होना चाहिए, फजांस रूल को पढ़िएगा ज़रूर, हमने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, वहां पर आप देख सकते हैं फजांस रूल क्या है। तो जिस धनायन का आवेश ज्यादा है, आकार छोटा है, वह बनाएगा आपका यहां पर सहसंयोजिता आबंध। इस प्रश्न को और समझ अगर मान लीजिए PB+4 है और PB+2 है, तो PB+4 आपका यहां पर सहसंयोजक आबंध दिखाएगा, सहसंयोजक आबंध दिखाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने समझी कि जितना छोटा आकार होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर धनायन का होगा और वहां पे सहसंयोजिता आबंध हमें ज्यादा दिखेगी। N तथा F के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, यहाँ पे NH से अधिक होता है, तो यहाँ पे आंसर समझते हैं। यद्यपि NH3 का यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इतना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस को अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। कैसे जरा समझ लेते हैं, अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें, अमोनिया का जरा स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन का ज़्यादा है, यहाँ पर नाइट्रोजन का जो विद्युत ऋणात्मकता है वह ज़्यादा है, यह सभी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचेगा, यह सभी ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन अगर हम NF3 की बात करें, तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो एकाकी युग्म है अपनी ओर खींचता है, फ्लोरीन अपनी ओर खींचता है, तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो म्यू की जो वैल्यू होती है वो इस म्यू की वैल्यू से छोटी होती है, तो यहाँ पे ये म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर विपरीत दिशा में होते हैं। देखिए NF3 का यहाँ पे विपरीत दिशा में होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस प्रश्न को पढ़िए, समझिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्यों यहाँ पे NH3 1.5D है और NF3 0.2D है। रीज़न यही है कि यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, ये प्रश्न ने अभी हमने किया है डायपोल मोमेंट में पढ़ा है, तो वहाँ पे जाके देखिए, NCERT का भी एक प्रश्न इसी पर आधारित है, समझिए और उसे करिए। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। आपको और क्या पढ़ना है, आपको और कौन से टॉपिक में दिक्कत हो रही है, हमें ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, आपकी पढ़ाई में जो भी कठिनाई आएंगी उसे दूर करने के लिए। धन्यवाद, थैंक